हेलो एवरीवन, आई एम रमनदीप। दिस इज़ माय साइंस सेकंड वीडियो। आज जो मैंने टॉपिक लिया है प्रेशर का, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका एक नंबर पक्का हो जाता है अगर ये मेरी वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं। तो आज मैं आपके कई क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, जैसे सब्जी काटते हुए हमें जो चाकू है उसकी धार तेज़ क्यों होनी चाहिए, जब हम कील को दीवार में ठोकते हैं तो वो आगे से नुकीला क्यों होना चाहिए, जब एक आदमी दलदल में डूब रहा है तो हमें ये क्यों कहा जाता है कि वहाँ लेट जाइए, सीधे खड़े मत होइए, जब कोई हमारे पैर को दबाता है या किसी भी बॉडी पार्ट को दबाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इस तरीके से दबाइए, इस तरीके से मत दबाइए, ठीक है। उसके अलावा जो हीलियम का बैलून होता है, जिस बैलून में हीलियम भरी जाती है, वो ऊपर जाके क्यों फट जाता है। फाउंटेन पेन, जब एरोप्लेन में कोई आदमी जा रहा है उसके पास फाउंटेन पेन है और उसमें से इंक कैसे बाहर आ जाती है। एक आदमी जिसका हाई बीपी है और उसे एरोप्लेन में सफ़र करने से मना किया जाता है, ऐसा क्यों। उसके अलावा भी काफ़ी क्वेश्चन है, ये जो वीडियो है काफ़ी एक्साइटेड होने वाली है, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए तो आप इसे दोबारा देखिएगा, एक दो बार में आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप किसी भी बुक से एमसीक्यू क्वेश्चन लगा के देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखिए, मेरा पूरा विश्वास है कि आपका 1 से 2 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे इस टॉपिक से। चलिए आज का हम जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है प्रेशर। क्या होता है प्रेशर? सबसे पहले मैं इसके फॉर्मूले पे थोड़ा जोर दूंगा, क्योंकि आपके आधे से ज़्यादा जो प्रश्न है उसका जो जवाब है वो इसी फॉर्मूले के अंदर है। अगर आप इसको फॉर्मूले को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। आइए देखें, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। अब कई सोचते हैं कि जो प्रेशर है और जो फोर्स है वो दोनों सेम होते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। फोर्स का मतलब क्या होता है? जब आप किसी को धकेलते हैं या उसको अपनी तरफ खींचते हैं, मींस फोर्स इज ओनली ए पुश और पुल। और यहां पर जो फोर्स की यूनिट आपको पता होगी, इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन। और एरिया की जो यूनिट है वो क्या है? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की जो यूनिट हो जाएगी वो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आइए एक बार इसके बारे में हम दोबारा से स्टडी करते हैं, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। यहां पर आपने दो चीजें पढ़ी होंगी, क्या एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होगा? जैसे ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, दैट मींस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर फोर्स बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर फोर्स घटाओगे तो प्रेशर भी घट जाएगा। आप किसी चीज के ऊपर एक जोरदार फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और अगर आप किसी के ऊपर फोर्स कम लगाते हैं तो जो प्रेशर है वो भी क्या हो जाता है? घट जाता है। आइए आप इन दोनों के रिलेशन को देखिए, इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे तो जो प्रेशर है ना वो, जब आप एरिया को बढ़ाएंगे तो जो प्रेशर है ना वो कम हो जाएगा, और जब आप एरिया को घटाएंगे तो जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैं इन क्वेश्चंस पे आऊंगा। सबसे पहले हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, फिर जो इसकी एप्लीकेशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनके एप्लीकेशन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए देखें, जो आपका ये प्रेशर है दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्या होता है? कोई भी यूनिट होती है, क्वांटिटी होती है, वो दो तरह से होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। स्केलर जिसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, जैसे आप चीनी लेने जाते हैं, 5 kg चीनी दे दीजिए तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्या टाइम हुआ है? 10 मिनट, कोई टाइम, कोई डायरेक्शन नहीं है। आप कहीं जाना चाहते हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, वो किसके अंदर आते हैं? स्केलर क्वांटिटी के अंदर आते हैं। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन होती है, जैसे आप किसी चीज को फोर्स लगाते हैं, किसी चीज को धक्का लगाते हैं तो उसकी एक डायरेक्शन होगी, इस तरीके से वेलोसिटी है उसकी एक डायरेक्शन होगी। इससे भी रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं इसकी दूसरी सेकेंड वीडियो या इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें हम इसको लेंगे। आइए इसकी यूनिट के बारे में देख लेते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स की यूनिट न्यूटन, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वेयर। तो इसके जो फॉर्मूला बन गया, वो जो यूनिट बन गई वो क्या बन गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर बन गई। इसी की यूनिट क्या है, पास्कल है। पास्कल किसकी यूनिट है, प्रेशर की है। कई एग्जाम में या एग्जाम में ये आया हुआ है, आप इसको कैसे याद करेंगे, पी फॉर पास्कल पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पास्कल पी फॉर प्रेशर। उसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, एटमोस्फेरिक प्रेशर के कारण। क्या होता है एटमोस्फेयर, अर्थ के चारों तरफ जो गैसेज का एक ब्लैंकेट है जिसके अंदर कई सारी गैसेज हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर बोलते हैं। जैसा कि मैंने यहां दिखाया है, ये अर्थ है, इसके चारों तरफ क्या है, लेयर्स हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, तो ये कुछ गैसेज की लेयर है, ओके। ये हमारे ऊपर एक दबाव डालती हैं, उस दबाव को क्या बोला जाता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। लगभग 16,000 किलोग्राम प्रेशर हमारे ऊपर डाला जाता है, किसके द्वारा, एटमोस्फेयर के द्वारा, ठीक है। एटमोस्फेरिक प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या है, बार, और 1 bar किसके इक्वल होता है, 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। जो मैंने ये लिखे हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को ही मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। यहाँ पर जो एक एक वर्ड लिखा हुआ है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, मीन्स इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। प्रेशर इसकी जो यूनिट होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, इसकी एक और यूनिट है वो क्या है, पास्कल। एटमोस्फेरिक प्रेशर, जब एटमोस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर डालता है उसे हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसे किस में मेजर किया जाता है, बार में। 1 bar इज इक्वल टू 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर के इक्वल होता है। अब एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। आप देख सकते हैं ये बार और ये बैरोमीटर, आप इससे रिलेट करेंगे। बैरोमीटर क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं बैरोमीटर को किसने इन्वेंट किया था, टोरिसिली ने बैरोमीटर को इन्वेंट किया था, ओके। बैरोमीटर क्या होता है, देखिए जैसे कि आप जानते हैं अर्थ पे कहीं पे माउंटेन्स हैं, सी है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, हर जगह प्रेशर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो हमें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकें, जहां पे हम देख सकें कि एग्जैक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ओके। तो हमने क्या लिया, 0° सेल्सियस टेम्परेचर पर, 45° लैटिट्यूड पर, एट सी लेवल, सी लेवल जहां पे आपने समुद्र देखा होगा बिल्कुल प्लेन होता है, वहां पर बैरोमीटर को रखने से, बैरोमीटर के अंदर एक लिक्विड होता है जिसे हम बोलते हैं मरकरी, जैसे थर्मामीटर में लिक्विड होता है दैट इज मरकरी। ये मरकरी का जो लेवल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण 76 cm क्या हो जाता है, ऊपर हो जाता है, रेज हो जाता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। मीन्स एटमोस्फेयर के प्रेशर के कारण जो लिक्विड, जो मरकरी ऊपर चली गई 76 cm, उसे ही हम क्या बोलते हैं, 1 atmospheric pressure या 1 bar बोलते हैं। इससे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकलते हैं, वो क्या निकलते हैं, जब ये लेवल आपको दिखाई दे रहा है, इससे 3 questions आपने कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिले होंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, जब ये लेवल है सडन फॉल, एकदम से नीचे गिर जाता है तो क्या होगा, तो तूफान आएगा। जैसे कि आप न्यूज में देखते हैं कि आज तूफान आने वाला है, आज बारिश होने वाली है, आज का जो वेदर है वो बिल्कुल साफ होगा। तो वो कैसे पता लगा लेते हैं, वो इसी से ही पता लगाते हैं, जब इसका लेवल एकदम से नीचे गिर जाता है तो वो कह देते हैं कि यहां स्टॉर्म आने वाला है, मीन्स तूफान आने वाला है। जब स्लो फॉल, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ गिरता है, तो उसका मतलब है रेन, बारिश होने वाली है। और अगर स्लो राइज, वो धीरे धीरे ऊपर उठता है, तो क्लियर वेदर, मौसम क्या रहेगा, साफ रहेगा। इससे आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सिर्फ एक बार देखना है इस वीडियो को और आपको याद रहेगा, ठीक है। अब 1 atmospheric प्रेशर किसके इक्वल होता है, 1.01 bar के इक्वल होता है, या 76 cm, 760 मिलीमीटर, 760 टोर।
अब आपके एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो ये चेक करना चाहता है कि आपने किसी टॉपिक को अच्छे से स्टडी किया है कि नहीं, डिटेल स्टडी किया है कि नहीं। तो कभी एग्जाम में 76 सेंटीमीटर दे देता है, कभी 760 मिलीमीटर दे देता है, और कभी 760 टोर दे देता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि जो टोर है वो किसकी यूनिट है, दैट इज द यूनिट ऑफ एटमोस्फेरिक प्रेशर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 760 दैट मीन्स 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू टोर। अब ये टोर वर्ड कहां से आया है, मैंने आपको बताया बैरोमीटर को जो इन्वेंट किया है वो किसने किया है, टोरिसिली ने किया है। तो जो ये टोर वर्ड आप देख सकते हैं ये कहां से आया है, टोरिसिली से ही लिया गया है। ओके, अब इस साइड का जो है मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब देखें एक बार, ये छोटा सा है पास्कल ला। पास्कल ला क्या होता है, जब भी कभी एक कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड डाला जाता है, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर दाब अप्लाई करते हो तो उसके हर पॉइंट पे ही इक्वल फोर्स लगाया जाता है। इसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ है, जैसे मैंने ये बनाया है, अगर आप यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करोगे तो यहाँ से प्रेशर होता हुआ यहाँ यहाँ और यहाँ पे ये दबाव डालता है, जिसके कारण इस लिक्विड के कारण जो ये फ्लूड भरा हुआ है ये ऊपर की तरफ क्या करता है, प्रेशर डालता है। जैसे इसके एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोलिक ब्रेक लिफ्ट और प्रेस। जैसे कि आपने देखा होगा जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं गाड़ियों में, जैसे ही प्रेस करते हैं तो उसमें एक लिक्विड भरा होता है, प्रेस करते ही पास्कल ला से वो सारी जगह पे क्या करता है, हर जगह पे इक्वल ही प्रेस करता है, फोर्स लगाता है, जिसके कारण वो ब्रेक लग जाती है और आपकी जो गाड़ी है वो रुक जाती है। तो इसमें किस चीज का कंसेप्ट था, पास्कल ला का। चलिए अब हम एक बार इसकी एप्लीकेशन को देख लेते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे क्वेश्चन बोल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें किस चीज़ का रिलेशन यूज हुआ है या क्या कारण रहा है इसके पीछे। आइए देखिए, मेरी तरफ देखिए, जब कोई आपके पैर को दबाता है, जैसे कि आप इसके पैर को दबाता है, तो ये एरिया क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, एरिया ज़्यादा हो गया, एरिया ज़्यादा होने से प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, और पूरा का पूरा जो दबाव है बॉडी का वो फैल जाएगा। जब आप इसको इस तरीके से दबाएंगे आप देख सकते हैं ये एरिया क्या हो गया, कम हो गया, एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, पूरी बॉडी का जो वेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, प्रेशर ज़्यादा, जिसके कारण बॉडी में क्या होने लग जाएगा, पेन होने लग जाएगा। देख सकते हैं आप ये एरिया ज़्यादा है या ये एरिया ज़्यादा है, एरिया कम होते ही पूरा दबाव लगेगा जिसके कारण पेन होने लग जाएगा, दर्द होने लग जाएगा। आइए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई आदमी जो दलदल में दब रहा है या धस रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं कि आप लेट जाइए। मान लीजिए एक आदमी है, ये इसके पैर हैं, ये जो एरिया है ये क्या है, कम है। जब उसको बोल दिया जाएगा कि आप लेट जाइए तो ये एरिया क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो वो धीरे धीरे उस दलदल में दबेगा, तब तक उसको कोई बचा लेगा। अगर वो सीधा खड़ा रहता है तो वो एकदम से मतलब जल्दी ही फास्ट ही वो दलदल के अंदर दब जाएगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, चाकू। चाकू से जब सब्जी को काटते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है अगर उसकी जो धार है वो तेज़ नहीं है। धार तेज़ नहीं है मतलब उसका एरिया ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या लगेगा, एरिया ज़्यादा है तो उसका प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा और सब्जी नहीं कटेगी। अगर धार लगा लेते हैं तो जैसे ही हम उसको कट करेंगे एरिया कम प्रेशर ज़्यादा और सब्जी कट जाएगी। उसके बाद अगला एक एग्जाम्पल है नेल का। नेल मतलब कील। कील का जो आगे का हिस्सा होता है वो नुकीला होता है, मीन्स उसका एरिया क्या है, कम है, प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, जैसे ही आप कील ठोकेंगे वो दीवार के अंदर ठुक जाएगा। किससे, फॉर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आइए एलिफेंट और गर्ल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर दो फट्टे लगे हुए हैं वुडन के, एक पे हाथी का पैर रखा है और दूसरी पे एक लड़की जिसके जो हील है वो पेंसिल हील है, मतलब बहुत नुकीली है, तो किसका जो प्रेशर है वो ज़्यादा लगेगा, किसका प्रेशर ज़्यादा लगेगा, लड़की का प्रेशर ज़्यादा लगेगा, हाथी का नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हाथी का जो पैर है उसका जो एरिया है वो ज़्यादा है, जो लड़की है उसका जो पेंसिल जो एरिया है वो क्या है, कम है। तो एरिया कम होने से प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा और वो दबा देगी उसको। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं कैमल का।
आपको पता है कैमल क्या होता है, डेजर्ट का जो डेजर्ट होते हैं उसका क्या होता है, किंग होता है, मतलब वहां पे वो आसानी से घूम सकता है। क्यों घूम सकता है? देखिए, जो हाथ जो ऊंट होता है उसका जो पैर होता है वो काफी चौड़ा होता है, गद्देदार होता है, एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर क्या लगता है, कम लगता है, जिसके कारण वो दबा नहीं पाता, दबता नहीं है और वो आसानी से चल पड़ता है। अगर हम डेजर्ट एरिया में जाएंगे तो हमारे पैर का एरिया क्या है, कम है, पैर का एरिया कम है तो हमारा प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा और हमारे पैर क्या हो जाएंगे, मिट्टी में धंस जाएंगे और हमें चलने में क्या होगा, कठिनाई होगी। सेम ऐसे ही स्नो में चलते हुए भी ऐसा ही कंसेप्ट लगता है। उसके बाद ये जो एग्जाम्पल है ये हमने इससे रिलेटेड थे, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप अगर समझ नहीं आया है तो आप एक बार इसको रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, फिर आप क्वेश्चन अप्लाई करिए तो ये सॉल्व हो जाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं कुछ और एग्जाम्पल के बारे में। अर्थ, अर्थ के चारों तरफ क्या है, गैसेज हैं। गैसेज क्या करती हैं, दबाव डालती हैं, प्रेशर डालती हैं। कहाँ प्रेशर ज्यादा होता है, कहाँ प्रेशर कम होता है, आइए देखें। मैंने आपको क्या बताया, ये अर्थ, यहां पर जो अर्थ के पास की जो लेयर होती हैं वहां पे गैसेज जो होती हैं वो हैवी होती हैं, भारी होती हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाते हैं तो जो गैसेज होती हैं वो क्या हो जाती है, लाइट हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं। तो इससे हम क्या सीखे, जब हम यहां हैं धरती पर हैं, तल पर है, तो हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। कारण उसका क्या है, पहला तो है हैवी गैसेज, यहां पर गैसेज क्या हैवी हैं। दूसरा क्या है, हाइट भी तो मैटर करेगा। अगर आप ये एक एटमोस्फेरिक सरफेस है, एक आप बिल्कुल यहां हैं और एक आप ऊपर हैं, जब आप यहां हैं तो पूरा का पूरा प्रेशर उसके ऊपर लगेगा और जब आप बीच में हैं तो थोड़ा सा प्रेशर उसके ऊपर लगेगा। तो इस तरीके से हैवी गैसेज, लाइट गैसेज और हाइट से हम ये देखते हैं कि जो प्रेशर है कितना ज्यादा लगता है और कितना कम लगता है। ठीक है, आइए देखें हीलियम बैलून के बारे में बात कर लेते हैं। हीलियम बैलून के बारे में, जब हम एक हीलियम बैलून बैलून को हम फिल करते हैं, भरते हैं, तो वो क्या होता है, वो अपने प्रेशर को अंदर की तरफ बढ़ाते हैं और बाहर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम होता है। फिर हम और भरते हैं और उसके अंदर गैस भर जाती है और वो एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। फिर हम भरते हैं और वो फैल जाता है, हमने उसको गांठ लगाई और उसको छोड़ दिया। हीलियम गैस का जो बैलून है वो ऊपर की तरफ जाता रहेगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और ऊपर जाते हुए हमें पता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, अब बैलून ऊपर जा रहा है तो बैलून के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर वाला एक्सपेंड होने लग जाएगा, फैलने लग जाएगा। अब फैलने लग जाएगा तो बैलून की जो एक लिमिट होती है, बैलून जब ज्यादा प्रेशर लगाएगा, अंदर से ज्यादा प्रेशर होगा, तो वो एक टाइम आएगा जो फट जाएगा, जिसके कारण हीलियम बैलून एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हुए फट जाता है। एक इसका कारण ये है। उसके बाद एरोप्लेन, एरोप्लेन में जो हाई बीपी के पेशेंट होते हैं उसे जाने से रोका जाता है या क्यों मना किया जाता है, देखिए आप मेरी तरफ देखिए, कान नाक मुंह ये सब ओपन है, मेरी बॉडी में ब्लड भी है, तो ये ब्लड बाहर क्यों नहीं आता, कारण इसका, इसका कारण है हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमारी बॉडी में भी एक प्रेशर है। जब दोनों प्रेशर बैलेंस रहेंगे, बराबर रहेंगे, हमारी बॉडी से कुछ भी नहीं बाहर आएगा। कभी आपने सुना होगा, देखा होगा वीडियोज में, मूवीज में, जब कोई आदमी हिल स्टेशन पे जाता है, माउंटेन्स पे जाता है, माउंट एवरेस्ट पे जाइए, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, आपके अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा। अब अंदर का प्रेशर बाहर, अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, बाहर का कम हो गया, तो खून बाहर आ जाएगा। सेम कंसेप्ट मैंने हीलियम बैलून में भी बताया, हीलियम बैलून उसके अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, बाहर क्या है, कम है, ऊपर जाते हुए तो वो एकदम से फैलेगा और फट जाएगा। हमारी बॉडी में क्या होगा, हमारी बॉडी में अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, हिल स्टेशन पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एकदम से हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। आइए हमारा जो क्वेश्चन था, एरोप्लेन में जो आदमी जा रहे हैं तो हम उसको जो हाई बीपी वाले को मनाही की जाती है वो क्यों, जो आदमी है
उसका जो बीपी है पहले से ही हाई है, आप उसे एरोप्लेन में ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमें पता है ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ऊपर कम है, आदमी का बीपी ज़्यादा है तो उसके अंदर का जो ब्लड है वो बाहर आ जाएगा, इससे सही उसे मना किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। फाउंटेन पेन देखिए, फाउंटेन पेन कोई भी इंक है, पेन है, जैसे हम उसे चलाते हैं आप उसे उल्टा कीजिए, सीधा कीजिए, कैसा भी कीजिए, उसके अंदर से इंक बाहर नहीं आती है। जैसे ही आप आसमान में जाएंगे एरोप्लेन में जाएंगे तो उसके अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा, एटमोसफेयर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और उसकी जो इंक है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। सब एटमोसफेरिक प्रेशर के कारण है। आइए हिल स्टेशन पे फूड जल्दी या कम कैसे बन जाता है पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले आपको मैं ये बता दूँ एक मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा और एक बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट जहां पर कोई भी लिक्विड क्या हो जाता है, बॉइल करने लग जाता है, उबलने लग जाता है। देखिए मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल से समझाता हूं। खाना बना रहे हैं, चूल्हे में खाना बना रहे हैं और खाना रखा हुआ है, वो पानी उबल रहा है, उसमें सब्जियां डाल दी गई हैं। जब आप उस पानी को गर्म करेंगे तो पानी हीट लेगा, हीट लेने के बाद वो ऊपर जाएगा और ठंडा पानी नीचे आ जाएगा, फिर वो हीट लेगा और पानी नीचे आ जाएगा। जैसे हीट लेगा तो उसे एनर्जी मिलेगी और गर्म होगा, और हीट लेगा और एनर्जी लेगा, गर्म होगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट सेम हो जाएगा और उसके बाद वो बॉइल होना बंद हो जाएगा। चाहे अब आप उसमें कितनी भी लकड़ी डालते रहें, उबलने के बाद वो और गर्म नहीं होगा। ठीक है, अब और गर्म नहीं होगा, अब खाना बन जाएगा। अब हिल स्टेशन पे खाना बनाने में क्या होगा, परेशानी होगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों? जैसा कि हमें पता है ऊपर हिल स्टेशन पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने से पहले ही, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पर ही वो बॉइल होने लग जाएगा। अब बॉइल होने लग जाएगा तो इसका मतलब क्या है, अब वो 80 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ने वाला ही नहीं है, और आगे बढ़ने वाला नहीं है तो इसका मतलब अब धीरे धीरे कम टेम्परेचर पे खाना बनेगा तो उसे क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। आइए यहीं से एक और चीज़ आती है, प्रेशर कुकर से खाना कैसे बन जाता है, प्रेशर कुकर में खाना कैसे बन जाता है, जल्दी बन जाता है। प्रेशर कुकर है, ऊपर से बंद किया हुआ है, जैसे वो हीट करेंगे तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो उसके जो वेपर्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे, वेपर ऊपर की तरफ जाएंगे पर वो निकल तो पाएंगे नहीं, क्योंकि ऊपर तो क्या है, उसका ढक्कन लगा हुआ है, बंद है, तो वो अंदर ही घूमता रहेगा। अंदर घूमता रहेगा तो उसका जो दबाव है, टेम्परेचर है, वो बढ़ता रहेगा, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 120 डिग्री, 130 डिग्री, जिसके कारण वो खाना जल्दी बन जाता है। तो यही कंसेप्ट था इसके पीछे का, बॉइलिंग पॉइंट का, हिल स्टेशन में जो फूड है वो जल्दी, वो धीरे धीरे क्यों बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री सेल्सियस ही होता है, और वहां पर जो क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। आइए बस लास्ट हमारा जो थोड़ा सा टॉपिक रहता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सपेंड और एक होता है कंट्रास्ट। ध्यान से देखिएगा मेरे हाथ की तरफ, जब कोई चीज एक्सपेंड होती है, एक्सपेंड का मतलब वो फैलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीर का निशान, देख सकते हैं एरो का निशान, वो एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड होने का मतलब वो बाहर जाना चाहती है, और जो प्रेशर है वो उसे बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर, हर चीज पे कहां से लगता है प्रेशर, बाहर से लगता है। ये बाहर जाना चाहती है और प्रेशर उसे अंदर डालना पड़ता है, डाल रहा है, तो अंदर वाले को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तभी तो वो बाहर आएगा। देखिए ये एक्सपेंड होना चाहती है, ये बाहर जाना चाहती है, प्रेशर अंदर की तरफ लग रहा है, तो अंदर वाले को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब प्रेशर ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। जैसा ये किस में होता है, ये होता है वैक्स में और घी के अंदर, ये कंसेप्ट होता है। आइए जब कोई चीज़ सिकुड़ रही है, सिकुड़ रही का मतलब कंट्रास्ट हो रही है, जैसे एक आइस है आप उसको रखिए और वो क्या होगा, धीरे धीरे सिकुड़ने लग जाएगी, तो उसमें क्या होगा, देखिए ध्यान से मेरे हाथ को देखिए, ये आइस है, वो सिकुड़ रही है, अंदर की तरफ जा रही है,
प्रेशर भी कहां लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, तो दोनों ही अंदर की तरफ लग रहा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। ये किस में होता है, ये आइस के अंदर होता है। जैसे आप देखिए एरो का निशान अंदर की तरफ है, प्रेशर भी क्या लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। इसको मैं एक और एग्जांपल से दिखाता हूं। मान लो एक साइकिल वाला आपके सामने से आ रहा है, आप उसको सामने से धकेलते हैं तो उसे क्या लगेगा, ज्यादा जोर लगेगा उसे चलाने में। एक साइकिल वाला चल रहा है और मैं उसके पीछे से ही धक्का लगा रहा हूं तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेम यहां पर भी देखिए जो आइस है वो भी अंदर जा रही है, प्रेशर भी उसे अंदर धकेल रहा है, तो इसका मतलब प्रेशर कम, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। यहां पर ये बाहर निकलना चाहता है, प्रेशर उसे अंदर ही डालना चाहता है, तो उसे क्या लगेगा, प्रेशर भी ज्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। आई होप जो मैंने आज का ये टॉपिक लिया है साइंस का, प्रेशर का, आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप एक दो बार इस वीडियो को और देखें, अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें। जो मेरी पहली पार्ट वन वीडियो थी वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।